दोस्तों आज पीएम मोदी ने देश को संबोधन किया और उन्होंने लगातार 82 मिनट तक भाषण दिया और वो भी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के। तो इस पर गोदी पत्रकार रूबिका लियाकत इसे भी बहुत बड़ी उपलब्धि बताने लगी। वहीं अब सवाल ये उठ रहा है कि कम से कम आज के दिन तो मीडिया को स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से रूबिका बीजेपी की प्रवक्ता बन इसे भी एक उपलब्धि बताने लगी है। वहीं रूबिका लियाकत ने ट्वीट करते हुए कहा, 82 मिनट का भाषण पीएम मोदी का, धारा प्रवाह और वो भी बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के। वैधानिक चेतावनी, कमजोर दिल वाले कवच लगा ले, टूट ना जाए। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार रूबिका लियाकत इसे भी उपलब्धि बता रही हैं। मतलब इसके पहले मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर से ही भाषण देते थे। वहीं रूबिका लियाकत के इस चाटुकारिता पर उन्हें अपने कमेंट बॉक्स को जरूर पढ़ना चाहिए कि लोग उस पर क्या कह रहे हैं। वहीं रूबिका लियाकत के इस ट्वीट पर एक यूजर ने कहा, गोदी मीडिया वालों ने आज खुद एक्सेप्ट कर लिया कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के साहब भाषण नहीं दे पाते, सिर्फ आज दिया है तो चाटुकार कितने खुश हैं। वहीं इस पर एक और यूजर ने कहा, मतलब रूबिका दीदी ने मान लिया है कि पहली बार साहब बिना किसी सहारे के भाषण पढ़े हैं। गोदी मीडिया के नज़रों में यह भी एक बड़ी उपलब्धि है। वैधानिक चेतावनी, गोदी मीडिया ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ता है जिसमें मालिक फर्स्ट ना हो। एक और यूजर ने लिखा, 82 मिनट में से कितने मिनट साहब ने महंगाई, रोजगार, काला धन, स्वास्थ्य, शिक्षा पर बोले, थोड़ा बताना भाईजान, दलाली करते रहो, शाम तक दलाली का पैकेट पहुंच जाएगा। फिलहाल दोस्तों रूबिका लियाकत ने जिस तरह से बेशर्मी की हदें पार की हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। और ज़्यादा ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।